चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज के लेक्चर में ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा इन इक्वेशंस का सारा थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। जो बचता है ना, मैं आप लोग को जो जो क्वेश्चन सॉल्विंग में जो काम आता है ना, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आज की क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू गिव सम क्वेश्चंस इन क्लास, मतलब कुछ प्रैक्टिस के लिए भी हो गए, ठीक है? बुकलेट में से ही मैं दूंगा, ठीक है? कुछ प्रैक्टिस के लिए भी हो गए और कुछ नए भी हो गए, ठीक है? राइट, तो कुछ कुछ मतलब स्टार्ट जस्ट सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। राइट, अभी एक एक करके मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग स्टार्ट करो सॉल्व करना। जैसे सॉल्व दिस, 2x + 2 mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, आपने इसमें ही करना है, ठीक है? मिसेलेनियस प्रॉब्लम हेडिंग डालो, है ना? दिस इज नॉट अ न्यू दिस थिंग थ्योरी हेडिंग, बट दिस जस्ट मिसेलेनियस प्रॉब्लम्स। जस्ट राइट डाउन द हेडिंग मिसेलेनियस प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग, है ना? सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, क्या आता है आंसर मुझे बताओ। रेंज आएगी गाइस, रेंज
यस लेट्स सी। देखो अभी, अच्छा मुझे पहले, सबसे पहले एक चीज बताओ, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलस भी दिख रहा है ना, मॉड्यूलस है, कैन यू गेट रिड ऑफ दिस मॉड्यूल? हाँ बिल्कुल, मतलब अगर मॉड्यूलस LHS में होता, RHS में, मतलब LHS पे पूरा मॉड लगा होता तो आप स्क्वायर कर लेते हैं ना, बट इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच, हां यस यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर टेकिंग टू केसेस, है ना, राइट? यू हैव टू टेक अ केस इन व्हिच x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू राइट 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, करेक्ट ना गाइस? सही है, twice of 2 raised to x is equal to, is greater than equal to 2√2, है ना? तो ये 2 2 तो कट जाएगा, इनइक्वालिटीज के कारण पॉजिटिव नंबर काट सकते हैं, पॉजिटिव नंबर काटने का कोई टेंशन नहीं होता, है ना? तो 2 raised to x is greater than equal to 2 raised to half हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो, समझा क्या? राइट, अब मुझे बताओ इसमें क्या करोगे, बोलो। हाँ ग्रेटर देन या इक्वल टू, है ना? अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें और इसमें ऐसा डाल दो x is greater than equal to half, चलेगा ना? Yes, अगर ये 2 है, क्योंकि बेस 2 है गाइस, इसमें भी सेम लॉजिक, इस क्योंकि बेस 2 है, राइट? मैं आपको बताऊं यहां से ये स्टेप पे कैसे आए, यू कैन जस्ट से दिस वन थिंग दैट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग टू द बेस 2 ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ log to the base 2 लोगे तो साइन चेंज होगा क्या, बोलो क्या? नहीं ना, तो log to the base 2 of 2 raised to x is greater than equal to log to the base 2 of 2 raised to half, तो ये हो जाएगा x into 1 is greater than equal to half into 1, so x greater than equal to half, मैंने आपको इतना एकदम ये करके बताया, ठीक है, अच्छे से लिख के बताया, क्यों बताया गाइस? क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में या किसी भी पार्ट में ऐसा आ गया ना 2 raised to x is greater than equal to 3, तो आप इसको फिर इसको 3 को क्या लिखोगे फिर, है ना? यू कैन नॉट राइट एनीथिंग टू 3 ना, तो यू हैव टू टेक log टू द बेस 2 ऑन बोथ साइड्स, तो log टू द बेस 2, एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं मैं, log टू द बेस 2 ऑफ 2 रेज टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ 3, बस, तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ 3, सॉरी, तो ये वैल्यू आ जाती है आंसर, समझ गए? दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ना altogether, this is a different question altogether. मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसके पीछे ऐसा किया था मैंने, समझा है? ठीक है, step 2 में कौन सा property use किया मतलब? अच्छा ये वाला step, अरे modulus को open किया ना, x greater than 0 है ना, तो modulus open किया, उसके बाद क्या? Basic algebra किया है ना, ठीक है सुमित? ठीक है, नहीं स्टार्टिंग में लॉग लेके फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि लॉग के अंदर दो नंबर्स एडिशन में आ जाएंगे, है ना? ठीक है, राइट, सो भी जो डाउट है ना आप हाथ रेस करके पूछ रहा हूँ, मैं ऐसा चैट में नहीं समझ रहा, ठीक है, ओके okay? अच्छा एक चीज समझो, आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, केस असम्पशन क्या था इसमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर हाफ से, तो इस केस का आंसर हाफ से लेकर इंफिनिटी लिख सकता हूं मैं, ये इस केस का आंसर है, अब दूसरे केस का आंसर निकालते हैं, फिर फाइनल आंसर निकालते हैं, ठीक है? दूसरा केस थोड़ा सा अच्छा केस है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले लिया हूं, x less than 0, है ना? लेट्स टेक अ केस वेयर इन x इज लेस देन 0, अच्छा जब x less than 0 होगा तो 2 raise to x plus 2 raise to minus x is greater than equal to 2√2 हो जाएगा ना गाइस, बोलो करेक्ट ना? ठीक है, अब क्या बोलो? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? जिसने बोला है अनुषा, करेक्ट ना? यस, 2 रेस्ट टू एक्स और 3 रेस्ट टू माइनस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं गाइस, है ना? ये राइट, तो मैं 2 रेस्ट टू एक्स को टी पुट कर देता हूँ, है ना? ये राइट, तो दिस इज टी प्लस 1/t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, करेक्ट ना गाइस? सही है, अब इसके बाद एक क्वाड्रेटिक आएगा, टी स्क्वायर प्लस, अच्छा 1/t is greater than equal to 2√2, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, just tell me, can I cross multiply this √t? No के yes, yes I can, है ना? इस बार I can, है ना? Right, यहाँ पे लिख लेना, since t is equal to 2 raised to something, अभी 2 की कोई भी पावर डालोगे ना गाइस तो पॉजिटिव ही होंगे ना,
is greater than zero, we can cross multiply. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों नहीं करते थे वो भी तो देख लो ना एक बार. एक सेकंड ना गाइस लाइट भरा. हाँ बाहर ही लाइट नहीं है. हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस हम क्यों नहीं करते थे, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता था ना कि यार जो क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं करना है, नेगेटिव है तो साइन चेंज करना है. लेकिन अभी हम श्योरिटी से बोल सकते हैं ना कि टी तो कोई टू की पावर है, और टू की कोई भी पावर डाल दो यार, कोई भी पावर, वन टू थ्री नेगेटिव पावर भी डालोगे तो वन अपॉन टू की पावर हो जाएगा. तो टी की कोई भी पावर डालोगे तो इट विल नॉट बी नेगेटिव, है ना राइट. तो यू कैन हियर यू कैन सेफली क्रॉस मल्टीप्लाई, समझे राइट. तो टी स्क्वायर माइनस टू रूट टू टाइम्स टी प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना गाइज. अब देखो अब सुनो, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना राइट. अच्छा सुनो अभी, है ना, है ये इनइक्वालिटी है ना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वेवी कर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं ना. अब क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल के रखो, इसके रूट्स क्या निकल रहे हैं इसके. देखो रूट्स निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, करेक्ट ना. बी स्क्वायर आप देखोगे ना तो ये इसका स्क्वायर होता है एट माइनस फोर ए सी बाय टू. ओके तो टू रूट टू प्लस माइनस टू बाय टू, तो इसके अंदर इसके जो रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे रूट टू प्लस और माइनस वन. तो एक रूट होगा रूट टू प्लस वन और एक होगा रूट टू माइनस वन. ओके गाइस अब देखो, तो इससे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना. ओके तो मुझे बताओ टी की रेंज क्या आ जाएगी. टी की रेंज माइनस इंफिनिटी से रूट टू माइनस वन तक यूनियन रूट टू प्लस वन से लेकर इंफिनिटी. अब क्या करोगे गाइस, ऐसा करते हैं, लास्ट टाइम बताया था ना जिसको टी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको वेवी कर्व से सॉल्व करके रेंज आ जाती है. और फिर क्या करते हैं, इस रेंज को अलग तरीके से लिखते हैं, याद आ रहा है, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं ना. टू रेज टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट टू माइनस वन, करेक्ट. यूनियन टू रेज टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू प्लस वन, ये याद आ रहा है आप लोग को, लास्ट क्लास में ऐसा कुछ किया था ना हमने राइट. ओके चलो ठीक है राइट. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक और चीज बताओ, है ना राइट. तो चलो दोनों तरफ लॉक. अच्छा अब दोनों अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. क्या करोगे बोलो. हाँ टेक लॉग टू द बेस, है ना, ये समझ रहे हैं आपको. टू रेज टू एक्स इज कोई भलताई नंबर है थ्री, या ये भी तो भलताई नंबर है ना राइट. जब टू रेज टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रेज टू हाफ दिख रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था ना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल अभी ले लिया पहले ही. यहाँ पे कोई भी एक बकवास सा नंबर रखा हुआ है तो आप लॉग ही लेना है दोनों तरफ, है ना. जस्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है गाइस. तो ये अच्छा, ये तो x बन जाएगा अगर देन इक्वल टू लॉग टू द बेस, लॉग टू द बेस 2 लेना है ना, तो 2 ऑफ रूट 2 प्लस 1, है ना. ओके गाइस जस्ट पे अटेंशन टू दिस, ये वैल्यू कैसी है बताओ, सॉरी ये ओवरऑल वैल्यू कैसी है बताओ. ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है ना तो ये केस ही रिजेक्ट करना है. क्यों, क्योंकि हमने केस x लेस देन 0 वाला लिया है ना राइट. ये वैल्यू कैसी है बोलो. हाँ देखो अगर ये सिर्फ रूट टू होता रूट टू तो ये आंसर हाफ आता, ये रूट टू प्लस वन है, हाफ से भी बड़ा आंसर है. और एनी वेज छोड़ो, ये नंबर जो है ना 1.414 प्लस 2.414 है, तो ये वैल्यू जो है ना वो 2.414 है इनपुट, है ना राइट. अब याद आ रहा है आपको जब वन और बेस और ये नंबर दोनों सेम साइड पे होते थे, याद आ रहा है आपको, बेस भी टू है और वन से बड़ा है और इनपुट भी वन से बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आता है, याद आ रहा है आपको. कैसा यूज हो गया देखो अचानक से, ये है ना, ये नंबर दोनों वन से बड़े तो इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है ना ये. तो अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर आया आंसर, लेकिन केस असम्पशन का एक्स नेगेटिव था, तो इसको तो पूरे आपको रिजेक्ट यही पे देख के कर लोगे, समझ में आ रहा है कैसा रिजेक्ट हो गया पूरा. ओके अब ये इसको सॉल्व करते हैं ये वाले पार्ट को. टू रेस टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट टू माइनस वन. ओके लॉग ले लें अभी दोनों तरफ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू लॉग टू द बेस टू ऑफ रूट टू माइनस वन. मुझे अब बताओ ये वाली क्वांटिटी कैसी है गाइस, बोलो ये क्वांटिटी कैसी है, लॉग टू द बेस टू ऑफ रूट टू माइनस वन, ये कैसी क्वांटिटी है ओवरऑल. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. कैसे अंदाजा लगाया,
ये नंबर जो है वो फ्रैक्शन है, वन से छोटा है और ये नंबर वन से बड़ा है, याद आ रहा है? जब बेस वन से बड़ा और इनपुट वन से छोटा होता है तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है ना, राइट? तो ये आंसर नेगेटिव है, तो इसका आंसर आएगा कुछ x less than equal to some negative number. Just keep in mind, negative number है. Case लिया था x less than zero का. तो मुझे बताओ इस पूरे केस का फाइनल आंसर क्या होगा? यही x less than equal to log to the base 2 of root 2 minus 1. Correct ना guys? ये पूरे केस का फाइनल आंसर होगा. Agreed guys? Okay. केस 1 और केस 2 के दोनों के आंसर्स आ गए. है ना? है हाँ, मतलब मैंने अच्छे से लिखा ना इसको. वेट, यस, क्या आ गया? माइनस इनफिनिटी से लेकर वो लॉग वाली वैल्यू है ना, माइनस इनफिनिटी से लेकर लॉग टू द बेस 2 ऑफ रूट 2 माइनस 1 विच इज अ नेगेटिव वैल्यू. ओके, है ना? कैसे कैसे काम आ रहा है देखो, छोटे छोटे पुरानी पुरानी चीजें. तो ये आंसर इस केस में था, तो इस पूरे केस का फाइनल आंसर क्या होगा गाइस? व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाफ माइनस इनफिनिटी से लेकर लॉग टू द बेस 2 ऑफ रूट 2 माइनस 1 तक, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, यूनियन हाफ से लेकर इनफिनिटी. एक्चुअली गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक चीज समझो, ठीक है? दिस इज द एक्चुअल फाइनल आंसर. ओके फाइन, नाउ जस्ट प्लीज पे अटेंशन. राइट, हर इनइक्वालिटी में ना हम पहला स्टेप को डोमेन करते थे, भूल गए ना हम, ठीक है? राइट, बट एक्सपोनेंशियल्स वाले क्वेश्चंस में डोमेन जो होता है ना वो कोई टेंशन नहीं होता है ना, क्योंकि ऐसे 2 के ऊपर ऐसी कौन सी पावर है जो नहीं पुट कर सकते? बोलो, पॉजिटिव पुट कर सकते हो, नेगेटिव, कुछ भी पुट कर सकते हो ना. तो डोमेन इसमें देखने की जरूरत नहीं होती है ना. राइट, एक्सपोनेंशियल्स का डोमेन जो होता है ना वो होता है ऑल रियल नंबर्स. तो बच गए और अच्छी चीज है बोल के, है ना? राइट, समझा क्या? इसीलिए मैंने एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही एक साथ ले लिया, ठीक है? अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें एक्सपोनेंशियल्स की इक्वालिटी होगी, देन फिर से मैं ऐसा एक क्वेश्चन लूंगा जो जिसमें आपको कुछ से करना होगा, ठीक है? वेट, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन. किसी को कोई भी डाउट है ना? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हर इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम डोमेन चेक करते हैं, मतलब डोमेन निकालते हैं, फिर फाइनल आंसर जो निकलता है ना उसका इंटरसेक्शन लेते हैं डोमेन के साथ. बट इस केस में कोई डोमेन है, होगा ही नहीं, है ना? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. एक्सपोनेंशियल में डोमेन को तो टेंशन नहीं होता, मतलब पावर में जब एक्स होता है ना उसका टेंशन नहीं होता है ना. हाँ, बेस में जब एक्स होता है तो उसका होता है टेंशन, है ना? वो तो आपको पता है, लॉग में वगैरह सब. एनीवेज, चलो अभी मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल का इक्वालिटी का एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? हाँ, मैंने लिखा था ना सत्या, why did we cross multiply in this case? Because 2 raised to x is a which was t, t को cross multiply किया आपने, क्योंकि that is a positive quantity. 2 की पावर में कुछ भी डाल दोगे, पॉजिटिव नंबर डालोगे कि नेगेटिव नंबर डालोगे, ये हमेशा पॉजिटिव देगा ना आपको. t is always positive, so we can cross multiply now. When we know that when we are cross multiplying a positive quantity always, so then you can cross multiply. Koi tension nahi le rahe. Solve this question. Ye simple sa question hai. 5 raised to x minus 1 plus 5 times 0.2 the whole raised to x minus 2 is equal to 26. Solve this fast. This will trigger me very bad. I don't want to.
उसका जो व्यू पॉइंट है ना वो मेरा मेरा व्यू पॉइंट खराब है, ठीक है, वो मुझे अपना खराब नहीं करता। यस चलो तो देखो 0.2 जो है ना वो 1/5 होता है, ठीक है, एंड रियलाइज दिस, ओके, सो दिस इज 5 की पावर x-1, 5 की पावर x-1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 की पावर x/5 राइट, प्लस 5 टाइम्स ये, इसको मैं 1/5 की पावर x-2 लिख सकता हूँ क्या, बोलो, या फिर ऐसा 1/5 की पावर x-2 इज इक्वल टू 26, या चले काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, 5 की पावर x-1 ही रहने दो, चलेगा, है ना, राइट, ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन ना गाइस, 5 रेज टू x-1 प्लस, मैंने इसको इसको भी 5 रेज टू x-1 कर लेता हूँ, ठीक है, राइट, इसमें x-2 है ना तो मैं ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नीचे 5 रेज टू x-1 हो जाएगा इज इक्वल टू 26, अग्रीड ना गाइस, है ना, राइट। अब मैं 5 रेज टू x-1 इस चीज को टी पुट कर देता हूँ क्योंकि रेसिप्रोकल दिख रहा है ना उसका, राइट, तो ये हो जाएगा टी प्लस 25/t इज इक्वल टू 26। अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन आई कैन क्लियरली सी टी इज इक्वल टू 1/5, है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आ जाएगा, है ना, t इज इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 5 दिख रहा है आपको, 1 प्लस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 5 25 26 और 5 प्लस, अच्छा सॉरी 1 और 5 नहीं आ रहा है, 25, t इज इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 25, ओके, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक, ठीक है, मुझे दिख रहा है इजीली, है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वाज टी गाइस, व्हाट वाज टी, 5 रेज टू x-1 इज इक्वल टू 1
और 5 raised to x minus 1 is equal to 25. अच्छा ये 1 जो है ना 5 raised to x minus 1 को मैं 5 raised to 0 लिखता हूँ और 5 raised to x minus 1 को मैं 5 raised to 2 लिखता हूँ. तो सीधी सी बात है x minus 1 equal to 0 और x minus 1 equal to 2. तो x is equal to either 1 or 3. These are the two answers. समझा के? नहीं 125 नहीं हर्ष, only 25. सही गाइस, सही है ना? Okay wait. Okay. Done. Solve this question guys. अच्छा एक क्वेश्चन हुआ किसी से? क्या आंसर आया? किसी का हुआ क्वेश्चन? ये बोलो. ये curly bracket है. Curly bracket मतलब सिर्फ one और इसको है ना यार, two five three answer है, बस दो ही answers बस. Okay, I'm giving you 2 minutes more to solve this question. Solve this fast. ओके चलो चलो देखें इसका कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है क्या करें बोलो गाइस. काफी लोग ने एक चीज किया होगा, आई नो दैट. हाँ है ना, x रेस टू 1/3 जो है ना, उसको t ले लिया है ना, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा है ना, और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दिया. करेक्ट है, कोई गलत नहीं है. मैं इसलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि मैं वो नहीं करने वाला हूँ, बट आप लोग का मेथड लिख लेता हूँ मैं ना है? तो x raise to 1/3 को आपने t ले लिया, करेक्ट ना गाइस? प्लीज पे अटेंशन ना. तो ये जो है ना ये t square हो जाएगा और ये हो जाएगा t is equal to 2. तो t square plus t minus 2 is equal to 0. इससे आ जाएगा आपका t minus 1 into t plus 2 is equal to 0. तो यहां से आएगा t is equal to 1 और t is equal to minus 2. तो x raise to 1/3 is equal to 1 और x raise to 1/3 is equal to minus 2 है ना. then you cube both the sides. so x is equal to 1 और x is equal to minus 8 है ना. fine no problem. ठीक है method number 2. ठीक है guys a plus b the whole cube होता है ना, वो क्या होता है बताओ? a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर. हाँ वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड, दैट इज व्हाट. तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ab प्लस इनटू a प्लस b, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो गाइस? a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब है ना. ये फॉर्मूला भी मतलब a प्लस b तो होल क्यूब को लिखने का ये तरीका भी होता है और इसको यूज करके ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा. देखना दोनों तरफ वैसे ही क्यूब कर दो है ना, डायरेक्टली क्यूब बोथ साइड्स. डायरेक्टली क्यूब बोथ साइड्स. तो ये इसका ए क्यूब क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी देना है तो राइट साइड में तो पहले सबसे पहले तो एट आ जाएगा है ना. ये ए प्लस बी तो होल क्यूब में ए क्यूब क्या होगा बोलो गाइस? ए क्यूब इसका क्यूब होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब क्या होगा? बी क्यूब ऑफकोर्स एक्स प्लस थ्री ए इंटू बी क्या होगा बोलो? ए इंटू बी. टाइप एवरी वन प्लीज टाइप. एक्स है ना a into b, a into b मतलब x और x x is to 2/3 into x is to 1/3 powers add हो जाएंगे और 1/3 1 हो जाएगा. x into a plus b इधर क्या लिखूंगा guys? इधर बोलो a plus b ना. yes x raise to 2/3 plus x raise to 1/3 जो itself 2 है guys, बोलो कि नहीं है ना? ये भी तो 2 है ना.
तो एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू एट. तो इसे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. सॉल्व द क्वाड्रेटिक एंड गेट एक्स डायरेक्टली. समझाए? तो इससे एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस एट आ जाए. समझाए? ये मेथड याद रखना, ठीक है? दिस मेथड समटाइम्स कम्स टू द रेस्क्यू. ये कभी कभी काम आ जाएगा. ये मेथड हो सकता है कभी कभी फेल हो जाए. देयर मे बी सम मेथड, है ना? लेंथी नहीं है ज्यादा. यस बिल्कुल सुमित, फर्स्ट मेथड जो है ना वो भी लेंथी बिल्कुल नहीं है. फर्स्ट मेथड ऑल्सो कैन बी. बस कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैंने देखा हूँ अपफ्रंट याद नहीं आ रहा है. एक तो बुकलेट में हो गए भी, है ना, कि आप उसको इसी मेथड से करना पड़ेगा वरना अटक जाओगे, है ना. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, है ना. राइट, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो मैं बना के दे देता हूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. लेट मी सेंड द फोटो फर्स्ट ऑफ दिस. हाँ चलो, लेट मी सेंड द फोटो ऑफ दिस फर्स्ट. फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ इसके बेसिस पे, वो आप लोग सॉल्व कर लो अभी, है ना. देखो बेटा गाइस, चलो रुक जाओ, मैं एक जनरल क्वेश्चन दे देता हूँ पहले तो, बट वेट, राइट, बाद में वो करते हैं. सॉल्व दीज क्वेश्चंस नाउ. आई विल मेक दैट क्वेश्चन लेटर, मैं दे दूंगा आपको, टेंशन मत. 3x-1 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 3x-9. क्वेश्चन नंबर 2. 2x-7 का अंडर रूट इज लेस देन 2x-1. दीज आर गुड क्वेश्चन ना गाइस, ये सब कर लो.
लेकिन फिफ्थ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, बट एवरीवन एवरीथिंग इज अ, ये सब ये सिंपल है थोड़ा, ये भी थोड़ा सिंपल है, बाकी है थोड़ा सा इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस है. टेक टाइम प्लीज, स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन.
फर्स्ट क्वेश्चन कर ले क्या, एक एक करके सॉल्व करते अभी। सॉल्यूशन वन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करूं बोलो, क्लियर देख के बोलो क्या करूं। स्क्वायर और क्या ही करोगे, दोनों तरफ मॉड्यूलस है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, स्क्वायर ही कर दो मैंने, राइट। कौन केसेस लेते बैठेगा, है ना, 3 रेस टू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 रेस टू एक्स, या एक काम करते हैं माइनस 3 रेस टू एक्स माइनस 9 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो 3 रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस 3 रेस टू एक्स माइनस 9 इंटू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखोगे ना तो 3 रेस टू एक्स 3 रेस टू एक्स कट जाएगा, 8 आ जाएगा इज पॉजिटिव, है ना, राइट। तो यू विल हैव ट्वाइस ऑफ, अच्छा इसमें भी है ना 2 कॉमन ले लेना, 8 पहले से बाहर रखा हुआ है, 3 रेस टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ट्वाइस ऑफ 3 रेस टू एक्स माइनस 10 है इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब ये जो दो नंबर्स है ना 8 और 2 उसको डिवाइड कर दो क्या, तो 3 रेस टू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 3 रेस टू एक्स इज ग्रेटर देन 5, है ना, राइट। अच्छा स्क्वायर करके कोई गलती की क्या हमने, मतलब वॉज देयर एनी डेंजर स्क्वायर, स्क्वायर करने में डेंजर, नो, है ना। तो जब स्क्वायर करने में कोई डेंजर नहीं है, कोई गलत मेथड नहीं है इस पार, क्योंकि दोनों तरफ पहले से ही पॉजिटिव है, तो टेंशन ही नहीं लेना, जो भी आंसर है उसको बिंदास एक्सेप्ट करेंगे ना, डोमेन तो कुछ है नहीं इसमें, राइट। अब पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता, दोनों तरफ पॉजिटिव है। अब क्या करें गाइस बोलो, टेक लॉग टू द, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, टेक लॉग टू द बेस 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन लॉग टू द बेस 3 ऑफ 5, तो द आंसर इज लॉग टू द बेस 3 ऑफ 5 से लेकर इंफिनिटी, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। डन गाइस, आर यू ऑल डन विद द सेकंड क्वेश्चन, है तो सिंपल बट थोड़ा सा मतलब है इन्वॉल्विंग यार, ठीक है, थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है, क्योंकि सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में दिखता है आपको डोमेन, है ना, फिर उसके बाद आपको 3 केसेस लेके स्क्वायर करना है ना। अच्छा वो जो 3 केसेस हो गए ना, पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव तो ठीक है स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव लेस देन 0 कुछ नहीं आएगा, है ना, एनीवेज चलो, और पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, बाकी दो जो केस है ना वो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ओनली स्क्वायरिंग वाला केस विल बी एक्सेप्टेड, बट स्क्वायर भी आप तब करोगे जब ये नंबर पॉजिटिव है ना, तो सब केसेस अच्छे से लेने पड़ेंगे ना। व्हाट आई डू, मैं इसकी फोटो अलग से भेजता हूँ, फिर उसके बाद आई विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक सम स्पेस। ये काम करें क्या गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कर ले क्या पहले, है ना गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 तो सिंपल ही है ना, 2 को बाद में करता हूँ मैं, 3 को टिक भी मार दिया, चलो, है ना, राइट। तो देखो क्या करें गाइस, 3 का क्या दिख रहा है आपको बोलो, डू वी नीड टू टेक एनी केस, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या इसको, ऑलवेज थिंक गाइज कि कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, यस कोई टेंशन नहीं है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस है, हाँ मॉड्यूल, हाँ उड़ा भी सकते हैं, यस, है ना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 7, है ना, दो तरीके से थॉट प्रोसेस सोच के स्टार्ट कर सकते हो, ये पॉजिटिव है ना, हमेशा पॉजिटिव, 7 से बड़ी क्वांटिटी है ये, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो दिस इज एज गुड एज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, व्हिच इज इजीली फैक्टराइजेबल इनटू x माइनस 3 इनटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, व्हिच गिव्स यू 2 एंड 3 एज द क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस प्लस, आंसर माइनस इनफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इनफिनिटी, हाँ हो गया, है ना। द अदर वे ऑफ थिंकिंग इज, ठीक है, द अदर वे ऑफ थिंकिंग द सेम थिंग इज, x square minus 5x plus 6 upon mod of x plus 1, मैंने आपको बोला था ना कि इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें पता है ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, इसलिए कर दिया मैंने, है ना, इजी और ज्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। अरे किस चीज का डोमेन यार, हर्ष हर्ष किस चीज का डोमेन यार, अरे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है ना, और
ये बेबी गर्ल में कब से डोमेन निकालते थे हम? चलो ध्यान दो है ना, अभी इसमें अगर आपको अगर ऐसा समझ रहा है ना तो इसको आप ऐसा सॉल्व करो, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0. इफ यू डोंट वांट टू क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट कीप इट एज इट इज. देन यू स्टार्ट प्लॉटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 होगा 3 होगा. मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको क्रिटिकल, इसको 0 से इक्वेट करके कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा. याद आ रहा है आपको? मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 7 इज नेवर इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू माइनस 7 आ जाएगी, फिर तो वो तो नेवर पॉसिबल है. तो कैन यू सिंपल सिंपली से दैट इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो नहीं है, नहीं प्लॉट करेंगे. वी विल डू दिस, पुट दिस पॉजिटिव ओवर हियर, यू पुट अ 3 से बड़ा नंबर 100 पुट करके देखो पॉजिटिव आ रहा है, फिर साइन चेंज करेंगे, फिर साइन चेंज कर देंगे क्योंकि पावर 1 है. सेम हो गया ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. ओके गाइज, मैं इसकी फोटो भेजने जा रहा हूँ, किसको क्या डाउट है तो पूछ लो. सर फोर्थ कर लो, इजी है, फोर्थ कर लो. हाँ वो अभी जगह नहीं है बट ठीक है, करते करते. प्लीज एक्सप्लेन 2 स्टेप ऑफ सेकेंड स्टेप ऑफ क्वेश्चन 1. अच्छा ओके, मैंने स्क्वायर किया दोनों तरफ है, राइट, स्क्वायर किया. और अरे पेन पेपर लेके करो ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 3x तो उड़ जाएगा और माइनस 1 माइनस माइनस 9 8 हो जाएगा, है ना. ओके चलो, लेट मी सेंड द फोटो नाउ. अभी हाँ, अगर mod x minus something वाले term होता ना तो फिर उसके critical point निकाल के plot करने पड़ते हैं. mod x minus whatever 3 होता let's say, तो mod x is equal to 3 से 3 और minus 3 दोनों plot करने पड़ते हैं, है ना. okay तो अभी इसको erase करता हूँ. let's solve question number 2 now. question number 2 कर लेते हैं. चलो लेट्स सॉल्व फास्ट, 1 और 3 हो गया ना, है ना. तो 2 raised to 2x minus 7. अच्छा गाइस एक चीज बताओ, 2 raised to x को पहले t ले लूं क्या मैं, बोलो, है ना. सबसे बेस्ट 2 raised to x को पहले ही t ले लो, बेस्ट है ना, राइट. तो टी स्क्वायर माइनस 7 का रूट इज लेस देन टी माइनस 1, क्लियर है ना ये, राइट. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, इसका डोमेन क्या है गाइस? डोमेन टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 7, है ना. या चलो टी स्क्वायर माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, तो टी माइनस रूट 7 इंटू t plus root 7 is greater than 0. Agreed guys? इसके critical points आएंगे minus root 7 से लेकर plus root 7 तक. ठीक है? तो positive, negative, positive. तो domain जो हो जाएगा ना guys, domain is minus infinity से लेकर minus root 7 union root 7 से लेकर infinity. समझा ना? किसी को domain को में कोई doubt है तो पूछ लो अभी, okay? है ना ये? Right? Okay? चलो डोमेन इज डन, नाउ लेट सॉल्व द एक्चुअल क्वेश्चन. इसमें सॉल्व करने के लिए हम केसेस लेते थे t इज लेस देन 1, इसको देख के t इक्वल टू 1 और t इज ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन का इधर ले लो, इक्वल टू 1 एंड t इज लेस देन 1, ये सब बकवास केसेस है.
टी इज इक्वल टू वन अगर देखोगे तो टी को वन पुट करो तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस सेवन इज लेस देन जीरो, नॉट पॉसिबल. ये इमेजिनरी है ना नंबर, छोड़ो ना उसको. टी लेस देन वन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, नेवर, नॉट पॉसिबल, नेवर, व्हाटएवर. ओनली दिस केस इज द थिंग दैट वी हैव टू सॉल्व एक्चुअली. टी ग्रेटर देन वन में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा. टी स्क्वायर माइनस सेवन इज लेस देन t square minus 2t plus 1. T square कट गया, ये वहां गया, तो 2t is less than 8, t is less than 4, very good. तो step 2 का answer जो आया वो ये आया, है ना, ये सब मिला के, मतलब t less than 4, है ना. Okay guys, अब सुनो, हमने क्या, अच्छा ये step 2 हो गया, अब domain है ना ये, राइट. तो टी के टर्म्स में अगर टी की बात करूं तो टी का आंसर क्या आ रहा है, बाद में उसको टी को आपको 2^x से रिप्लेस करना है, वो तो आपको पता है वो कैसे करना है, थोड़ा सा है प्रोसेस, वो देखेंगे. टी इज लेस देन 4 इज एक्सेप्टेबल. तो बोलो फाइनल आंसर ऑफ टी इज व्हाट, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट सेवन है ना, ये चलेगा पूरा के पूरा, यूनियन रूट सेवन से लेकर 4. गाइस इतना क्लियर है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी यार मैंने यहाँ पे सॉरी नहीं किया, सॉरी माय मिस्टेक. टी यहाँ से जो फाइनल आंसर आया स्टेप टू का, ये तीनों का आंसर आया टी इज बिलोंग्स टू वन से लेकर फोर, ये आंसर आया यार, सॉरी माय बैड, है ना. ये केस अजम्पशन था ना टी ग्रेटर देन वन, यस पार्थ करेक्ट, है ना. टी ग्रेटर देन वन वॉज द केस अजम्पशन, आंसर टी लेस देन फोर आया, तो t belongs to 1 to 4 हो गया, है ना. तो step 2 का answer 1 से लेकर 4 तक आया, लेकिन हमने assumption क्या किया था बोलो, मतलब what was the domain guys, what was the domain, ये step 2 है, ये step 2 का answer है. अब domain ले लो, तो domain ने ये, तो domain का ये region तो है ही answer में, छोड़ दो उसको, इसमें से क्या answer आएगा, तो what is the step 2, मतलब overall final answer of t, t belongs to 1 से 4 नहीं, root 7 से लेकर 4, समझ में आ रहा है आपको, root 7 including और 4 excluding, सही है, t belongs to root 7 से लेकर 4, है ना. Now इसी चीज को कैसा डालोगे आप बताओ, 2^x is greater than equal to root 7 and less than 4, ऐसा लिखोगे ना, and then you will take log to the base 2 on both sides, तो log to the base 2 of root of 7 is less than equal to x is less than 2. Clear hai guys ye? Theek hai. So what is the final answer guys? Answer is x belongs to 1 upon 2 log to the base 2 of 7 se lekar 2 close bracket open bracket. समझा क्या, ये रूट सेवन जो है ना उसको 7^2 लिख सकते हो और वो हाफ को बाहर निकाल सकते हो, ये ऐसा भी कभी कभी आंसर दिख सकता है ना, है? या तो फिर ये 1/2 को रूट को हटा के रूट सेवन लिख दो तो भी चलेगा. हाँ रूट सेवन भी, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन गाइस, है ना. तो दैट इज द फाइनल आंसर गाइस, ओके राइट. तो टी में सॉल्व किया, टी को सॉल्व करने के बाद मैंने, तो दिख रहा है आपको कि नॉर्मल क्वेश्चंस का ही एक एक्स्ट्रा आगे का वर्जन है, मतलब आगे का लेवल है, समझा. बस क्या है ना, एक बार बताना पड़ता है, एक बार बता गया फिर उसके बाद आपको, आप लोग कॉन्फिडेंट ही कर पाओगे बुक लेट में. I hope this is done now. ठीक है. हाँ sorry, 2 will have open bracket. मैंने mistake कर दिया.
प्लीज करेक्ट दिस गाइस, टू विल हैव ओपन ब्रैकेट ना, लेस देन मैंने क्लोज ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन ना गाइस, करें फोर्थ क्वेश्चन कर ले क्या? क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन है ना, बोलो। आई थिंक ठीक है, चलो दिस इज लाइक, देखो मैं क्या करता हूँ ना, एल एच एस को सॉल्व करना शुरू करता हूँ, है ना, आई स्टार्ट सॉल्विंग ओनली द एल एच एस, ओके। तो 2 raised to log to the base 10 of 3 root 3, इसको मैं स्वैप करता हूं ना, 3 root 3 into raised to log to the base 10 of 2 लिख सकता हूं, है ना, कुछ तो ऐसा दिख रहा है, राइट। हाँ ये भी कर सकते हैं यार, यस यस, यू कैन टेक log to the base 10 ऑन बोथ साइड्स आल्सो, यस यस सुमित, दैट्स आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, but applying property is also absolutely correct. चलो आपका method भी मैं कर दूँगा, let's call this method number one, I'll call your by your method also, ठीक है, right? अब सुनो guys, तो मुझे ना ये करना है, तो what is this? What is 3 root 3 guys? 3 root 3 is 3 की power 1 into 3 की power half ना, तो ये 3 की power 3 by 2 नहीं हो जाएगा, correct ना guys? 3 root 3 is 3 के पावर 1, 3 के पावर हाफ, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे ना गाइस, 1 प्लस हाफ 3 बाय 2 होता है, तो 3 root 3 को 3 के पावर 3 बाय 2 लिख सकता हूं ना मैं हमेशा, ओके। सो नाउ दिस विल बिकम व्हाट, 3 raised to 3 बाय 2 टाइम्स log to the base 10 of 2, अब क्लियरली देखो इसको इसको बोलते कंपेयर करो, तो देयरफॉर k की वैल्यू 3 बाय 2 नहीं आ गई, यानी राइट, मेथड नंबर टू आपका बिल्कुल सही है ना, है सुमित, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड, है ना, 2 रेस टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 3 रूट 3 इज इक्वल टू 3 रेस टू के टाइम्स लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 है, ये गिवन है ना, यू टेक लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, है ना, तो log to the base 10 लोगे ना, तो ये नंबर इनपुट में चले जाएगा log के, वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log to the base 10 of 3 root 3 into log to the base 10 of 2 is equal to k times log to the base 10 of 2 into log to the base 10 of 3, समझा क्या है, राइट, log जैसे ये पावर जो है ना वो log के बाहर उड़ के जाएगा, log to the base 10 of 2 बचेगा, ये पावर log के बाहर साइड में चले जाएंगे, है ना, और log to the base 10 of 3 बचेगा, now can you see log to the base 10 of 2 log to the base 2 10 of 2 getting cancelled, ये number है, you can easily cancel it, it's not a variable जिसको 0 से equate करे, ये number वैसे भी 0 नहीं है ना, ये कोई fixed number है, log to the base 10 of 3 root 3 upon log to the base 10 of 3 is equal to k, अब guys ये आपको याद आ रहा है क्या कुछ, ये जब log by log होता है और base भी same है, तो आप एक base में convert कर सकते हो, 3 root 3, नहीं नहीं नहीं, log माइनस log नहीं होता, माना जब इनपुट डिवाइड होते हैं तब log माइनस log होता है, ये log अपॉन log है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं ये बेस चेंजिंग थ्योरम है, बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम का उल्टा कर रहा हूं मैं, है ना, तो k इज इक्वल टू log टू द बेस 3 ऑफ 3 रेस टू 3 बाई 2, अब वो 3 बाय 2 उड़ के बाहर आ जाएगा, k is equal to 3 by 2 उड़ के बाहर आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा इजी है पर ठीक है, चलो है ना, लेट्स डू द फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन हो रहा है क्या किसी से, शुड आई सॉल्व और शुड आई वेट गाइस, बोलो फटाफट बोलो आप लोग, ओके फाइन ठीक है, आई एम वेटिंग, हाँ ठीक है ओके ओके फाइन, यस शिवांग दैट इज अ गुड ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इन क्वेश्चन नंबर 5,
So we are done with the first four questions. Then take 2-3 minutes more. फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर लो. Guys, done. Question number 5 कर लिया अभी. बस गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में ना एक चीज रियलाइज करनी है. तो क्वेश्चन इज डन. जब भी ऐसा बकवास सा क्वेश्चन आता है ना तो बस एक चीज रियलाइज कर लो कि ये जो दो नहीं इसके चार आंसर होगा गाइस. I think, let's see, not very sure, but yes. ठीक है, एक चीज रियलाइज करो, 5 plus 2 root 6 और 5 minus 2 root 6, इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएगा. सही है. a plus b, a minus b is a square minus b square, 25 minus 24 हो जाएगा. देखो, 4 into 6,
24, that is 1, है ना? That means these two are reciprocals, correct ना guys? These two are reciprocals, है ना? Right? इसका मतलब इसका raise to minus 1 is equal to this and इसका raise to minus 1 is equal to this, है ना? इतना याद रहेगा, right? अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं ना 5 plus 2 root 6 the whole raise to x square minus 3 जो है उसी को t put कर लेता हूँ, पूरे के पूरे term को t put कर दिया, तो ये हो जाएगा t plus 1 upon t is equal to 10 guys, agreed? सही है, अच्छा क्वेश्चन है, सही है, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी फिर थोड़ा सा अच्छे वाले दिए आएंगे, 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 96 अपॉन 2, तो t की वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस 2 रूट 6, फिर से ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिलहाल सॉल्व करो, है ना, ये 1 के लिए ही क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बनाया है इसलिए, सुमित तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसमें से आप वेरिएशंस करते बैठे हो, ये चुपचाप सॉल्व करो ठीक है, राइट? अब देखो प्लीज पे अटेंशन गाइस, इसके बाद भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, तो आइदर टी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 सॉरी 2 रूट 6 और t is equal to 5 minus 2 root 6. Okay, now can we re-substitute guys? So, suno, 5 plus 2 root 6, the whole raised to x square minus 3 is equal to 5 plus 2 root 6 or 5 plus 2 root 6, the whole raised to x square minus 3 is equal to 5 minus 2 root 6, hai na hai? अच्छा मैं 5 माइनस 2 रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 2 रूट 6 है ना, इसको मैं 5 प्लस 2 रूट 6 रेस टू माइनस 1 लिख दूं क्या, रेसिप्रोकल ना, है ना गाइस, अब सिंपली कंपेयर कर दो यार, दिस रेस टू x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू दिस रेस टू 1, सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और दिस रेस टू x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू दिस रेस टू 1 माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, डन, x square is equal to 4 और suddenly question देखो कितना simply हो गया, simplify हो गया, तो x is equal to plus minus 2 और x is equal to plus minus root 2, so answer is 2 minus 2 root 2 minus root 2, ये चार values है, clear guys? ओके ना, ओके चलो एक काम करते हैं अभी, सो एक काम करो गाइस अभी, अच्छा रेसिप्रोकल वाला पार्ट समझा हो गया, सुनो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 दिख रहा है क्या, दिस इज लाइक a प्लस b a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 द होल स्क्वायर, है ना, व्हिच इज इक्वल टू 25 माइनस 24 इक्वल टू 1 आया कि नहीं, 2 रूट 6 ना, राइट, ठीक है वैष्णव, ठीक है, तो देखो 2 रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो 4 * 6 आएगा ना, 25 ना, तो ये अगर इन दोनों का किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर वन आता है ना तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल ये होगा और इसका रेसिप्रोकल ये होगा, मतलब इसका रेस टू माइनस वन वो होगा और इसका रेस टू माइनस वन ये होगा, वो आगे जाके यूज करना है अभी आपको, है ना, तो मैंने क्या किया कि ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे कि नहीं है, है ना, दिस इज लाइक अगर मैं इसी को टी बोलू तो इस ये वन अपॉन टी हो जाएगा, तो t plus 1 upon t equal to 10 हो गया, अब t plus 1 upon t solve किया है ना, ये square cross multiply करके equation है तो कर सकते cross multiply, cross multiply करके solve किया
इससे आ गया मुझे फिर से ये, तो t की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 माइनस 2 रूट 6. अब t को मुझे रिसब्स्टिट्यूट करना है. देखो एक बार मैंने t को रिसब्स्टिट्यूट कर दिया इधर. व्हाट वाज t गाइस? ये पूरा टर्म. तो 5 प्लस 2 रूट 6 रेस्ट टू x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 माइनस 2 रूट 6. 5 माइनस 2 रूट 6 है ना, राइट? ओके, राइट. अब देखो अगर ये 5 माइनस 2 रूट 6 है ना, देखो मैं क्या करूंगा ना इसके बाद. देखो 5 plus 2 root 6 raised to x square minus 3 is 5 plus 2 root 6 raised to 1. तो एक solution आगे x square minus 3 is equal to 1. और 5 plus 2 root 6 raised to x square minus 3 is equal to 5 minus 2 root 6 है ना ये. अभी आप देखो ना ये कि इसको plus करके raised to minus 1 लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि इसका reciprocal ये है, इसका reciprocal वो है. तो 5 minus 2 root 6 को 5 plus 2 root 6 raised to minus 1 लिख सकता हूँ मैं. हाँ, ये क्वेश्चन बराबर से फ्रेम किया गया है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ दे दिया. ये 10 की जगह 9 होता है तो क्वेश्चन अनसॉल्वेबल, ट्रस्ट मी. इसीलिए आई एम सेइंग प्रॉपरली फ्रेम्ड है ना ये. तो ये पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद सीख लो कि ऐसे क्वेश्चन प्रॉपरली बनाए जाते हैं. जिसमें वैल्यू चेंज करोगे ना तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाता है क्वेश्चन का, है ना. तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट कर दो फिर. ऐसे तो सॉल्व करके आ गया, ठीक है. ओके गाइस, देखो मैं ना अभी आप लोग को आज डन, द चैप्टर इज ओवर गाइस. मैं अभी आप लोग को, हाँ मैं ये देखो ये क्लिक कैसे होगा. अच्छा दोनों लोग, दो तीन लोग यही पूछ रहे हैं. देखो यार क्लिक करने के लिए मैं क्या बताऊं अभी. ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना, राइट. ऑफकोर्स ये क्लिक नहीं होगा, इसलिए तो मैंने क्लास में दिया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए. जस्ट डोंट थिंक एवरीथिंग दैट यू आई एम गिविंग यू दैट कैन बी थॉट बाय योर सेल्फ. ऐसा नहीं होता है ना. जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग दैट आई एम, एवरी क्वेश्चन इन दैट आई एम टेकिंग इन क्लास is something that you can do, है ना. प्रैक्टिस से भी ना एक हद तक हो जाता है, बट नॉलेज है ना, चाहिए में नॉलेज भी काम आती है ना. एक ऐसा क्वेश्चन किया है पहले सॉल्व जो मैं खुद से बिल्कुल नहीं कर पाता, लेकिन सर ने करा है तो अभी आ गया है मेरे को, ठीक है. ये भी काम आता है, राइट, ठीक है. अच्छा सो मैं क्या बोल रहा था गाइज, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी चैप्टर इज ओवर, आई एम एंडिंग द क्लास. आई एम गोइंग टू गिव यू वन एक्सरसाइज, 1 से लेकर 1A, 1B, 2A, 2B, सब 2 तक, 1 पूरा और 2 पूरा होमवर्क में देने वाला हूँ मैं आपको. आई एम गोइंग टू सेंड यू दोस क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप विच यू डू नॉट हैव टू डू, ओके. आई एम गोइंग टू सेंड यू दोस क्वेश्चंस का लिस्ट दैट यू डू नॉट हैव टू डू ऑन द ग्रुप इन 15-20 मिनट्स, लेट्स से, राइट, ठीक है, राइट. और वो क्वेश्चन मत करना क्योंकि यूजुअली क्वाड्रेटिक के बाद हम पढ़ाते हैं, तो मैंने कुछ कुछ स्किप किया बिकॉज क्वाड्रेटिक इज नॉट डन अप टिल नाउ, है ना, राइट. तो व्हेन वी डू द क्वाड्रेटिक वी विल डू इट, एंड नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक, ओके गाइस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द नेक्स्ट चैप्टर गाइस, ओके गाइस. चलो टेक केयर, सी यू, बाय. आई विल मार्क यू द क्वेश्चंस, यू विल डू इट, स्टार्ट डूइंग इट, ओके. चलो गाइस बाय, टेक केयर, सी यू.